अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हमें ऐसा क्यों लगा जैसे यहाँ कोई तो था। गार्ड को बुलाते हैं। काका जी। मैडम। काका आपने यहाँ से किसी को बाहर जाते हुए देखा क्या? नहीं, मैंने तो नहीं देखा किसी को। आप गेट पे ही थे ना? हाँ, मैं तो गेट पे हूँ। अच्छा ठीक है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाँ जी मैम। सब शायद हमारा वहम था। गौरी, गौरी, अरे वो कृष्णा सही कह रही थी, तूने जरूर सपना देखा होगा। सपने और हकीकत में फर्क करना आता है हमें। कह रहे हैं ना, वो सुकांती था, हमने उसकी झलक देखी थी, सुकांती था हम। अरे बस भी कर, कितना पड़ेगी हमारे बेटे के पीछे? एक बार जेल भेजकर चैन नहीं पड़ा तुझे उसी के पीछे? जेल में इसलिए है क्योंकि उसने अपने खुद के कर्म इतने बुरे किए हैं कि उसे वहाँ होना चाहिए। जो किया है उसकी सजा भोग रहा है वो। बस कर रही है या हमारा मुग्धा लाए हम? और इतना पीटेंगे कि तू याद रखेगी, सोचेगा भी मत। याद रखिएगा, जिस तरह आपके बेटे को जेल में भेजा है वो चक्की पीस रहा है ना, आपको भी जेल में भेजेंगे चक्की पीसने के लिए, अगर ऐसा दोबारा कभी सोचा भी तो। गौरी तुम्हारी इतनी हिम्मत! अरे क्या तू गुस्ती है बीच में? आप लोग बस बस कीजिए, बस बहुत हो गया दादी। हमें लगता है ना कि हमें पुलिस को फोन करना चाहिए अभी के अभी। पता चल जाएगा कि सुकांत कहाँ है। ठीक है, एक मिनट एक मिनट, हम फोन लगा रहे हैं। अब सच सामने आएगा। कमाल की बात है, कोई फोन उठा ही नहीं रहा है। फोन कैसे उठाएंगे? सुरूर सुकांत ना फरार हो गया होगा जेल से, पुलिस डिपार्टमेंट को पता लग गया होगा, सब उसे वहां पे ढूंढ रहे होंगे, इसीलिए कोई फोन नहीं उठा रहा है। हम खुद फोन करेंगे, फोन करेंगे पुलिस को, भी पता करते हैं कि वो कहां फरार हुआ। अरे बस कर, सुकांत जेल में है, ये तो ऊपर वाले की लाठी पड़ी है तुझे, जिसकी आवाज भी नहीं सुनाई दी। एक बार कर लिया दोबारा हमारे काम के बीच में दखल अंदाजी मत कीजिएगा। हम अभी पता करेंगे कि वो कहाँ है। बस गौरी बहुत हो गया। अरे लेकिन हमने कहा ना, देखो जो भी था, जिस भी इरादे से आया था, अब वो यहाँ नहीं है। अरे लेकिन अगर... अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं, हम सब है ना तुम्हारे साथ। हाँ कुछ नहीं होने देंगे कभी। और एक काम करो, अगर तुम्हें डर लगे ना तो तुम ये लाइट जला के सो जाना और हमें एक आवाज देना, हम आ जाएंगे तुम्हारे पास। अब तुम आराम करो और देखिए आप सब भी चाहिए और जाकर सो जाइए। चलो सरस्वती। बेटा तुम घबरा मत, है हम सब हैं बाहर। दादी आप चलिए, कृष्णा संभाल लेगी। एक बस यही मौका है गोपाला के साथ समय बिताने का। कृष्णा तुम एक काम क्यों नहीं करती, आज रात तुम गौरी के पास ही रुको। देखो कितनी डरी हुई है बेचारी, तुम साथ रहोगी तो उसे अच्छा लगे। पर हमने तो इस... क्या हमारी बहन है कृष्णा, उसे जरूरत है तुम्हारी, आज रात तुम यही रुको। हाँ ठीक है, गुड नाइट। तुम उसी के पास रुको। ये आखिर जीत को क्या हो गया है? इतना समय हो गया है, अभी तक जीत का ही नहीं आया। पता नहीं अब आएगा भी या नहीं। खा
खाने का सिकंदर, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, कुकिंग कॉम्पिटिशन। हमें ना इसमें भाग लेना चाहिए और हम जीत को भी साथ में लेके जाएंगे। इससे क्या होगा ना कि हम एक साथ अच्छे से समय बिता पाएंगे। जीत को बताते हैं, फिर बताएंगे कैसे। आए तो सही। गोपाला जीत, तुम्हें बड़ी शिकायत रहती है ना हमसे कि समय नहीं बताते। तो अभी है हमारे पास समय। वो पता नहीं नीचे गौरी ने कोई बुरा सपना देखा क्या हुआ, बड़ी डरी हुई थी, तो हम कृष्णा को उसके पास छोड़ के आए ताकि अपनी बहन का ध्यान रखे। देखो लंबीदारी बिखरे बाल, सिर्फ आज समय निकालने से ना कुछ नहीं होगा। हमने ना कल के लिए भी एक बहुत अच्छा प्लान बनाया है, उसके लिए भी ना तुम्हें समय निकालना होगा। ये देखो कुकिंग कंपटीशन, हम का सोच रहे थे कि हम इसमें भाग ले और तुम भी हमारे साथ चलो। उससे कहा हो जाएगा ना, हम दोनों एक दूसरे के साथ समय बिता पाएंगे। चलोगे ना हमारे साथ? ठीक है, अगर तुम्हें इसी में खुशी मिलती है तो चलते हैं। सच्ची? हाँ को लंबीदारी बिखरे बात। ये शर्ट है ना, हमने तुम्हारे लिए खरीदी है। कैसी लग रही है जीत ये शर्ट? अरे कृष्णा आप क्या ड्राइव करेंगे, ये शर्ट देखिए, घर जाके देख लेंगे हम। रखो अभी इसे। वो तुम बाहर जाओगे प्लीज? क्यों? हम बोल रहे हैं ना, थोड़ा अजीब लग रहा है, प्लीज बाहर चली जाओ। कृष्णा तुम एक काम क्यों नहीं करती, आज रात तुम गौरी के पास ही रुको। देखो कितनी डरी हुई है बेचारी, तुम साथ रहोगी तो उसे अच्छा लगेगा। हाँ ग्लास भर गया बेटा। ध्यान कहाँ है तेरा? वो हमारा ध्यान, हम कुछ, हाँ हम सोच रहे थे कुछ। पोती है तू हमरी, और हम अच्छे से जानते हैं कि झूठ बोलना तो का आता ही नहीं। बता क्या हुआ? अब आपसे क्या छुपाना दादी, जब से हम इस घर में आए हैं ना, हमारा जीत हमें हमारा सा नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे कुछ बदल सा गया है। हमारी कोई भी बात उसे अच्छी नहीं लगती, हर बात पे चिड़चिड़ापन, हर बात पे झिकझिक, कुछ समझ ही नहीं आ रहा हमें क्यों ऐसा। चिक 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 तो करेगा ही, उसे कोई और जो भाग गई है, पर वो जिस गलत रास्ते पर चला गया है उसे बस तू ही वापस ला सकती है। अगर तू ही टूट गई तो उसे कौन समझाएगा? ऐसा कुछ नहीं है कृष्णा बेटा, पता है क्या, तू ना बहुत दिन बाद घर वापस लौटी है तो तेरा ना खुद पर से भरोसा कम हो गया, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, कॉन्फिडेंस हिल गया, और तेरी इस दादी के पास तेरी इस बीमारी का भी इलाज है। देख ये खाने के कंपटीशन का इश्तहार है, बहुत नाम है इसका। हम तो कह रहे हैं कि तू जाकर ना अपना नाम लिखवा दे वहां पर, और हम पूरे परिवार को लेकर वो कंपटीशन देखने आएंगे और जीत को भी साथ लेकर आएंगे।
और अमरी कृष्णा की जीत तो तय। पर दादी, हमारे जीतने से क्या होगा? कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अपने पर तेरा, और जीत की नजरों में तेरी इज्जत बढ़ेगी। फिर देखना कैसे आया करेगा भागता हुआ तेरे पास। अगर आप कहते हैं तो ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। ये हुई ना बात, चल अब तू पानी पी। हे भोलेनाथ, कृष्णा के संस्कार को बिखरने ना देना। अब देखिए नथ दंगल प्ले पर टीवी से पहले।